खनिया थाना में एक विवाहित महिला को उसके पति व ससुरालजनों के द्वारा मायके से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने और ऐसा न करने पर उसके पति द्वारा 3 तलाक देने के बाद सऊदी अरब भाग जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित करीना बानो की शिकायत पर से 3 तलाक देकर सऊदी अरब भागने वाले उसके पति मुस्तफा अली और सास शकीला बानो देवर परवेज अली अब्दुल्ला अली अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता ने अपने पिता अयूब अली के साथ खनिया थाना पहुंचकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि उसका खनिया थाना के ही निवासी युवक से 3 साल पूर्व विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही उसका पति मुस्तफा अली व सास देवर उसे प्रताड़ित करते चले आ रहे थे और कह रहे थे कि वह मायके से दहेज के तौर पर 1 रुपये नकद और 1 लाख रुपए नकद और 1 मोटरसाइकिल लेकर आए। बीते रोज जब करीना बानो ने अपने पति और ससुराल जनों के कहे अनुसार दहेज लाने से इनकार कर दिया तो उक्त सभी ने एक राय होकर करीना बानो की पिटाई की और कई यातनाएं दी। इतना ही नहीं, महिला के पति मुस्तफा अली ने 2 फरवरी को रात में उसे 3 तलाक दे दिया और वह सऊदी अरब भाग गया। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता करीना की शिकायत पर उसके पति मुस्तफा और सास व देवरों के खिलाफ धारा 498A, 323, 334 के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। खनिया थाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करीना कुरैशी। एक 3 तलाक का मामला दर्ज कराया है आपने, क्या मामला है? मेरा ये मामला है, मेरी शादी को 2.5 साल हो चुकी है। 22 अक्टूबर 2019 को मेरी शादी हुई, तो उसके बाद में 8 दिन तक तो मेरे को अच्छी तरह रखा, फिर उसके बाद में मेरे साथ इतना अत्याचार किया कि शायद किसी लड़की के साथ होगा। मेरी इतनी दुख भरी कहानी है कि मैं पूरी दुनिया को तकसीम भी करूँगी ना तो भी ये कम है, क्योंकि मेरे साथ में इतना अत्याचार हुआ है, शायद किसी के साथ में हुआ। मारपीट की मेरे साथ में, और तेरे बाप के यहाँ से दहेज और लेकर आ। तो मारपीट किसने की आपके साथ? मारपीट देवरों ने की, नंदू ने की मारपीट, देवरों ने की, अब्दुल्ला ने की और परवेज ने। अब्दुल्ला कौन है? अब्दुल्ला देवर है, परवेज भी देवर, परवेज अली देवर है, और मुस्तफा अली ने भी मेरे साथ मारपीट की। मेरे पति ने, उसने भी मेरे साथ मारपीट की, और उसके बाद में फिर वो बाहर चला गया। मैं डिप्रेशन में आ गई थी। कहाँ चला गया? बाहर चला गया, सऊदी अरब। तो ये आपने जब FIR दर्ज कराई है, कब कराई है? ये तो अभी करवाई है। तो इसमें आपने उसमें FIR में बुलाया कि 3 तलाक दे दिया, तो 3 तलाक भी दिया है क्या? हाँ, 3 तलाक दिए ना मैं, 3 तलाक दिए ना, 2 फरवरी 2022 को दिए। तो जब आपका पति यहीं था या फिर बाहर से ही उसने? नहीं, तलाक देकर भी चला गया। तलाक देकर चला गया? हाँ, तलाक देकर भाग गया फिर यहाँ से। मोहम्मद अजीज कुरैशी जी, लड़की के पिता हैं आप? जी हाँ। आपने जो 3 तलाक से संबंधित FIR कराई है? जी हाँ। तो ये कब इन्होंने 3 तलाक दिया? सब 2 फरवरी को। 2 फरवरी को 3 तलाक दिया, उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर, हम बस्ती बैठे सब घर के अंदर, कुछ कम्प्रोमाइज हो जाए, समझौता हो जाए, तो फिर कुछ नहीं हो सका। बच्चे लाइन का करते हैं, सब घर में नहीं जाऊँगा। फिर आपने FIR की? आपने कब FIR के लिए थाने कब पहुँचे आप? FIR के लिए मेरे 20 दिन हुआ। अच्छा, तो अभी फिर कल आपकी FIR हो पाई? ये FIR ना होने का कुछ कारण था अभी तक? सर जी, मुझे पता नहीं क्या हुआ। क्या कहा उन्होंने? तो अभी 4 दिन बाद में आना, 2 दिन बाद में आना, 4 दिन बाद में आना, इसके बाद में करेंगे। अभी आप बता रहे थे कि शिवपुरी जाने का क्या बोला था? हाँ, शिवपुरी बोला, वहाँ चले जाओ, महिला कोर्ट में चले जाओ। अच्छा, हाँ, तो हम सब वहाँ पर बच्चे आपसे मिलेगा सर। और ये आपकी बच्ची को कैसा प्रताड़ित किया गया, मतलब आपने क्या इल्जाम लगाए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपकी, प्रताड़ित करते थे, मारा, प्रेस से जलाया, ये सब चीज़ें? हाँ सही, तो सर उनका रोज काम था, एक देवर आया तो मारना शुरू कर दिया, जरा खाने में कुछ कमी हो गई तो मारना, और अपने से माता पिता छोड़ दे, घर मत जा, अपने अपने घर जरा भूल जा, माता पिता को छोड़ दे। खनिया थाना में एक फरियादिया जिसकी 2019 में शादी हुई थी, वो कल थाने पे आई थी। उसको बताना था कि उसके जो पति जो सऊदी अरब में जॉब करते हैं, तो 2019 में शादी के बाद से वो उसकी सास और दो देवर
लगातार इनसे मारपीट और परेशान करते थे और मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए दहेज की बात करते थे। इसलिए जब 2 फरवरी 2022 को इसका पति ने इसको कहा कि तुमको मैं नहीं रखूँगा और तलाक को 3 बार कह के उसको बोला कि मैंने तुझे तलाक दे दिया है और यहाँ से सऊदी चला गया। महिला ने जब कल ये शिकायत करी, काफ़ी मानसिक रूप से भी परेशान थी वो, तो उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है ये 4 लोगों के खिलाफ।